Now let us see worksheet 6. Question number 7. A rectangular sheet of paper is rolled along its length to make a cylinder. The sheet is 33 cm long and 32 cm wide. A circular sheet of paper is attached to the bottom of the cylinder form. Find the capacity of the cylinder so formed. देखिए यहां पे दिया हुआ है कि ये रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर है 33 सेंटीमीटर लेंथ है और 32 सेंटीमीटर इसका विर्थ है इसको रोल करके एक सिलेंडर बनाया गया रोल्ड अलोंग जो लेंथ लेंथ के अला रोल किया गया तो ये जब रोल किया गया तो देखिए इस तरह से सिलेंडर बना ये हाइट इसका 32 सेंटीमीटर होगा और ये जो सिलेंडर का ये जो बेस हुआ ये सर्कल ये इसका सरकमफ्रेंस ये पूरा लेंथ जो है थर्टी थ्री हुआ क्योंकि यही रोल हुआ है ये जो लेंथ है ये रोल हुआ तो ये थर्टी थ्री सेंटीमीटर हो गया तो सरकमफरेंस थर्टी थ्री सेंटीमीटर बन गया और हाइट ये हाइट का, का काम किया ये हाइट हो गया थर्टी टू सेंटीमीटर अब इसका आपको जो है कैपेसिटी निकालना है ये जो सिलेंडर बना इसमें कह रहा है कि नीचे में जो है पेपर लगा दिया गया जिससे कि ये जो है इसमें कुछ रखने लायक हो जाए कैपेसिटी इसीलिए पूछ रहा है तो हमको यहां पता है देखिए ये हाइट हो गया 32 सेंटीमीटर और ये सरकमफरेंस हो गया 33 तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर और वी नो द फार्मूला ऑफ सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई आर 2 पाई आर इज इक्वल टू 33 वैल्यू बता दें टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर इजक्वल टू थर्टी थ्री डेयर फोर आर इज इक्वल टू थर्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाई सेवन डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी टू ठीक है सेवन ऊपर चला गया और ये दोनों नीचे आ गए अब इलेवन से इलेवन टू जाए इलेवन थ्री जाए थ्री सेवन जाए ट्वेंटी वन और टू टू जाए फोर तो ट्वेंटी वन बाय फोर आर आ गया ट्वेंटी वन बाय फोर सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया जो हमारा सिलेंडर फॉर्म हुआ अब कैपेसिटी निकालना है तो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच पाई है ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर आया है ट्वेंटी तो स्क्वायर है तो ट्वेंटी इंटू एच है थर्टी टू अब सेवन से इसको कैंसिल किए सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन फोर से इसको फोर एट जा थर्टी टू फिर फोर टू जा एट तो यहां आ गया देखिए ट्वेंटी टू इंटू थ्री सिक्सटी सिक्स इंटू ट्वेंटी 2772 सेंटीमीटर क्यूब ये कैपेसिटी आ गया तो कैपेसिटी हम अगर लीटर में बदलना चाहें तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर तो इसी को हम लिख सकते हैं 2772 लीटर तो आंसर हो गया कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इज 2772 लीटर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्वेश्चन नंबर एट टू सॉलिड्स ऑफ राइट सिलेंडर से आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई एंड देयर बेसेस बेस डायमीटर आर 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली बोथ आर मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू टू ए सिंगल सिलेंडर ऑफ 56 सेंटीमीटर हाई फाइंड इट्स बेस डायमीटर देखिए कह रहा है कि दो सिलेंडर हैं उनको मेल्ट करके एक नया सिलेंडर बनाया गया तो जब भी देखिए सिलेंडर या किसी भी चीज को मेल्ट करके नई चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाता है जिनको मेल्ट किया गया और जो बनाया गया दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर यहां देखिए ये सिलेंडर है पहला इसका हाइट एच वन हम मान लिए एच वन फोर्टी नाइन है और डायमीटर सिक्सटीन है मतलब रेडियस हो गया आपका आर वन से डिनोट कर दिए एट सेंटीमीटर इसी तरह सेकेंड सिलेंडर के हाइट 35 है तो h2 से डिनोट कर दिए और डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस r2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये न्यू सिलेंडर जो हुआ उसका हाइट हम कैपिटल h मान लिए और रेडियस कैपिटल r मान लिए तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म दैट इज टू वी वन प्लस वी टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आई स्क्वायर एच इधर भी लिखे पाई स्क्वायर एच टू क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर के रेडियस को आर वन से डिनोट किए हैं हाइट को एच वन से और सेकेंड सिलेंडर के रेडियस को आर टू से डिनोट किए हैं और हाइट को एच टू से तो ये फार्मूला हम लिखे अब वैल्यू बता दीजिए पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच है फिफ्टी सिक्स इसका दैट इज टू पाई इंटू आर वन है एट एट इंटू एट इंटू एच वन है फोर्टी नाइन प्लस पाई इंटू नाइन सेवन इंटू सेवन इंटू थर्टी फाइव हम क्या किए देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू फिफ्टी सिक्स इक्वल टू यहाँ पाई कॉमन ले लिए दोनों में से तो पाई कॉमन लिए तो एट एट जाए सिक्सटी फोर इंटू फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी नाइन इंटू थर्टी फाइव तो पाई और पाई दोनों तरफ है कैंसिल हो गया या इसको नीचे लाके भी कैंसिल कर सकते हैं तो आर स्क्वायर इजक्वल टू क्या गया देखिए यहां से 49 कॉमन ले लीजिए क्योंकि तो, यहां भी 49 है यहां भी जब तो, 49 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा 64 फिर प्लस फाइव आर स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू फोर प्लस थर्टी फाइव बाई ये फिफ्टी सिक्स नीचे आ गया अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड करके तब सिंप्लीफाई कर लें उस तरह से अपने से तरीके से कर लें तो ये हो जाएगा देखिए फोर्टी नाइन इंटू इसको प्लस किए तो नाइन्टी नाइन बाई फिफ्टी सिक्स तो सेवन से कैंसिल किए सेवन जा फोर्टी नाइन सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स अब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया सिक्स हंड्रेड नाइन्टी थ्री बाई एट आर स्क्वायर टू सिक्स हंड्रेड नाइन्टी थ्री बाई एट थ्री को एट से डिवाइड किए तो ये आ गया एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हम इतना ही ले लिए 86.63 सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री ले लिए तो आर इज टू स्क्वायर रूट ऑफ एटी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इसका स्क्वायर रूट निकाले तो स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है देखिए एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री का ग्रुपिंग किए तो नाइन नाइन जाए एट्टी वन तो नाइन प्लस नाइन एटीन हुआ और ये अगला पेयर उतारे तो ये थ्री टाइम्स गया तो नाइन पॉइंट थ्री आ गया एप्रोक्स ये भी पूरा पूरा नहीं जाएगा तो so, अप्रोक्स जो है रेडियस जो 9.3 सेंटीमीटर आ गया तो डायमीटर इक्वल टू टू इंटू आर आप टू इंटू नाइन पॉइंट थ्री दैट इज एटीन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तो डायमीटर आ गया न्यू सिलेंडर का एटीन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर सी क्वेश्चन नंबर नाइन द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक पाइप

वैल्यू बैठा दीजिए पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन कैपिटल आर है नाइन स्क्वायर हो गया माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इन टू फोर्टीन इजक्टल टू सेवन फोर्टी एट सेवन से इसको कैंसिल किया टू आ गया तो अब नाइन स्क्वायर हो गया एट्टी वन माइनस आर स्क्वायर इजक्ल टू सेवन फोर्टी एट डिवाइडेड बाई ये ट्वेंटी टू नीचे आ गया टू भी नीचे आ गया अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिए तो आ गया सेवनटीन एट्टी वन माइनस आर स्क्वायर इजक्ल टू सेवनटीन डर फोर एटी वन को इधर ले आइए आर स्क्वायर इज टू सेवन माइनस एट्टी वन दट इज माइनस आर स्कू माइनस सिक्स माइनस कैंसिल हो गया तो आर आ जाएगा रूट ओवर स्मॉल आर मीन इनर रेडियस आ गया एट सेंटीमीटर आउटर रेडियस है नाइन सेंटीमीटर तो थिकनेस निकालने के लिए आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस तो थिकनेस इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर दट इज नाइन माइनस एट दट कम्स आउट वन सेंटीमीटर

पाई नीचे आ गया और सिक्स भी नीचे आ गया पाई इंटू सिक्स के वन फिफ्टी को कैंसिल किए तो आया ट्वेंटी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी रूट ऑफ ट्वेंटी ये रेडियस आ गया आपका फाइव सेंटीमीटर और हाइट है सिक्स सेंटीमीटर उसके बाद टोटल सर्फेस एरिया और कॉट सर्फेस एरिया के फॉर्मुले में बैठा देते हैं देखिए टोटल सर्फेस एरिया हम जानते हैं टू पाई आर विद इन ब्रैकेट एच प्लस आर तो टू इंट ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू फाइव ब्रैकेट में सिक्स प्लस फाइव आउट देखिए टू इंटू ट्वेंटी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यही है इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे जो आ जाए कॉर्ड सरफेस एरिया टू पाई आर एच होता है तो टू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई है 5, मल्टीप्लाई किए तो आ गया वन थ्री टू जीरो बाई सेवन अब सेवन से इसको डिवाइड किए तो अप्रॉक्स आ गया वन एटी एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इसको भी चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द कॉर्ट सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडिकल पिलर इज टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर मीटर क्यूब फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द पिलर देखिए कॉर्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है टू हंड्रेड सिक्सटी फोर मीटर स्क्वायर और कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है टू पाई क्वाल तो टू टू लीजिए इक्वेशन हो गया कि मीटर तो है नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं पाईआर स्क्वायर एच है नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर मीटर क्यूब ये दिया हुआ है दो इक्वेशन मान लीजिए वन और टू है अब इन दोनों को सॉल्व करके रेडियस निकालना है और हाइट निकालना है तो यहां देखिए आर स्क्वायर आ रहा है और यहां आर है अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो आर आ सकता है क्योंकि आर स्क्वायर है दो बार मीन आर इंटू आर है और यहाँ आर है तो डिवाइड कर दें, टू को वन से डिवाइड कर दिए। तो लेफ्ट में लेफ्ट को करते हैं तो देखिए नाइन ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू सिक्सटी फोर इधर आ गया नाइन ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू सिक्सटी फोर देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ आर से ये आर कैंसिल हुआ आर स्क्वायर वाला क्योंकि आर इंटू आर हो गया ये एच से एच कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा आर नीचे बचा टू तो आर बाई टू इज इक्वल टू इधर सिंप्लीफाई हम फोर से कैंसिल किए पहले फोर, जा एट, फोर, जा फोर जा। टू जाए थ्री जा ट वन जाए फोर से और फोर से इसको कैंसिल किए तो सिक्सटी सिक्स आया फिर इलेवन से कैंसिल कर दिए तो इलेवन सिक्स जा और इलेवन से ट्वेंटी वन आ गया फिर थ्री से थ्री टू जा सिक्स थ्री सेवन जा तो सेवन तो से बाय टू आ गया तो आर बाय टू इज इक्वल टू सेवन टू इज इक्वल टू टू इधर आ गया तो सेवन बाई टू मल्टीप्लाइड सेवन मीटर तो रेडियस आ गया सेवन मीटर डायमीटर रेडियस 14 मीटर तो डायमीटर आ गया फोर्टीन मीटर अब हम रेडियस की वैल्यू इक्वेशन वन या इक्वेशन टू किसी में रख दे? तो क्योंकि इक्वेशन वन में देखिए टू पाई आर एच टू सिक्स फोर है सेवन तो इंटू एच तो सेवन सेवन कैंसिल हो गया तो एच इक्वल टू आ गया टू सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई टू इंटू ट्वेंटी टू टू और ट्वेंटी टू नीचे आ गया यहाँ अब 11 से कैंसिल कर दीजिए देखे इलेवन टू जाए ट्वेंटी टू अलेवन से इसको कैंसिल किए तो ट्वेंटी फोर टाइम्स आ गया फिर टू से टू ट्वेल्व फिर टू से सिक्स तो सिक्स आ गया हाइट इक्वल टू सिक्स मीटर तो रेडियस सेवन मीटर या डायमीटर फोर्टीन मीटर और हाइट आपका सिक्स मीटर आया ठीक है यहाँ थोड़ा सिंपलीफिकेशन अपने से कर लेंगे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे